तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेलुलोज का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को लेके है। सेलुलोज का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, नाउ द थिंग इज दैट सेलुलोज कैन बी फाउंड इन फूड, इट्स अ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड और डाइट लाइक काउज, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स और कैटल्स। रूमिनेंट एनिमल्स कौन आया हो? रूमिनेंट एनिमल्स और कैटल्स, द नेक्स्ट इज सेलुलोज एज ए फाइबर फॉर दी आई मीन हेल्प ऑफ द ह्यूमन बींग लाइक इन कॉटन। कॉटन कंटेन्स सेलुलोज। देन सेलुलोज फाइबर्स के बाद हम लोग रेयॉन, सेलुलोज एज अ रेयॉन है ना, सेलुलोज एज ए रेयॉन लाइक आर्टिफिशियल रेयॉन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। सो दीज आर आर्टिफिशियल सेलुलोज दैट इज बीन मेड फॉर द क्लोथ एंड मेनी अदर आई मीन यूजेबल थिंग्स। ओके then fabrics or plastics, as in fabric or plastics. So cellulose is composed with certain chemicals and it's converted to, so we will write cellulose plus certain chemicals and it actually forms the cellulose acetate, or in a normal language we can say it can form the fabric, it can form the plastic, okay, or sometimes it is a type of glass, type of glass is also produced, and then cellulose is used as an explosive agent, okay, as an explosive agent. Apart from that, cellulose is also used in ice cream. It is used in the ice cream, medicine, or it can be used in the cosmetics. Used in the medicine, cosmetics. Okay, there are many in the paper industry cellulose is very much required, because from the tree or plants paper is produced by extracting the cellulose. Okay,
सेलुलोज ऑल्सो इज यूज्ड इन द पेंट इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन द पेंट इंडस्ट्री. ओके, सेलुलोज इज ऑल्सो यूज्ड इन द डिटर्जेंट. सो देयर आर मेनी. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड. द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड इज काइटीन. इट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड. नाउ देन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड. इट इज बेसिकली अ हेटेरो पॉलीसैकराइड. हेटेरो पॉलीसैकराइड. ठीक है. सो व्हेन इट इज कॉल्ड हेटेरो पॉलीसैकराइड, प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट. प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट. अंडरस्टैंड. हेलो. इट इज प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट. इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट. इसके साथ इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द आई मीन सेल वॉल ऑफ फंजी और फंजाई. ठीक है. सो काइटिन इज अ सिमिलर, एज इट इज अ पॉलीसैकराइड, सो इट इज अ सिमिलर टू द सेलुलोज. ओके, इट इज सिमिलर टू सेलुलोज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट व्हाट? सेलुलोज कंटेन्स मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज. एंड काइटिन और चिटिन इट कंटेन्स कंटेन्स मोनोमर्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. लेट अस राइट इन दैट वे, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. सो इट इज प्रेजेंट इन द एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. ओके, सो दिस इज द एक्चुअली चाइटिन. बोथ आर हेल्पिंग द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स और पार्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स और ऑर्गेनेलीज. ठीक है. सो इट इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट, मे हेल्प टू मेंटेन द शेप. ओके, इट इज अ इनसॉल्युबल इन वाटर. ये सारा जो पॉलीसैकराइड में था यही है सारे, एक्सेप्ट देर इज अ स्ट्रक्चर दैट इट इज इन सेलुलोज. इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, मोनोमर ऑफ ग्लूकोज, एंड इट इज द मोनोमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. सो इट इज अ हेटरोटाइप ऑफ पॉलीसैकराइड. The next is that what we called is that was what that was the structural polysaccharide. Now we will talk about the mucopolysaccharide. From the last session, mucopolysaccharide.
म्यूकोपॉलीसैकेराइड, व्हाट इज दिस? इट इज अ स्लाइमी, स्लाइमी मीन्स स्लीपरी सब्सटेंसेस। इट इज अ स्लाइमी सब्सटेंस, ठीक, प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट कॉल्ड एज वॉट? कॉल्ड एज म्यूसिलेज, इसको कहते हैं म्यूसिलेज। स्लिपरी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। नाउ दिस म्यूसिलेज कैन फॉर्म द जेल और इट कैन बी ए जेली फॉर्म, इट्स टाइप इज देयर। So it is in, can be in gel form, used as adhesive, so adhesive is a type of, it's, I mean character of the mucopolysaccharide which is can be used as a adhesive. कैसे हम समझेंगे? हैव यू एवर सीन द इसबगुल? हैव यू एवर सीन द इसबगुल? और भेंडी काटा है कभी आपने? भेंडी, भेंडी को देखा है, भेंडी तोड़ के कैसे एक म्यूसिलेज टाइप का, म्यूसिलेज टाइप का स्लीपरी प्रोडक्शन प्रोड्यूस होते हैं। सो एज इन भेंडी, भेंडी को काटने से कैसे स्लीपरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और एज एज सोक वाटर ऑफ इसबगुल, अगर आप इसबगुल को भी भिंगोते हो तो एक स्लीपरी प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। Now it is heteropolysaccharide but made up of galactose and mannose, galactose and mannose, so we can call them as a, क्या कहेंगे, गैलेक्टेन, वी कैन कॉल देम एज अ, सो दे कैन बी कॉल्ड एज अ गैलेक्टेन। और एक्चुअली मैनोस को बात नहीं आते, गैलेक्टेन की गैलेक्टोज टाइप की है तो गैलेक्टोज कहते हैं इसको। सो नाउ दिस म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक्चुअली, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द म्यूकोपॉलीसैकेराइड और व्हाट दे एक्चुअली फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले दे फॉर्म द पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन फॉर्मेशन, पेप्टिडोग्लाइकेन फॉर्मेशन। सो पेप्टिडोग्लाइकेन फॉर्मेशन में काम आते हैं, ठीक है, आई मीन दीज म्यूकोपॉलीसैकेराइड, बिकॉज पॉलीसैकेराइड की कुछ क्रॉस लिंक ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, एंड दे प्रोड्यूसेस दी पेप्टिडोग्लाइकेन। नाउ पेप्टिडोग्लाइकेन फॉर्मेशन वेयर इट इज फाउंड इन आउटर
कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की आउटर कोटिंग में है। बैक्टीरिया में आपका बीजीए भी इंक्लूड होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी इंक्लूडेड होगा। ओके एंड दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द स्लाइम मोल्ड। प्रोटिस्टा में हमने देखा है स्लाइम मोल्ड, फाउंड इन स्लाइम मोल्ड। ठीक है, द नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ हायलूरोनिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हायलूरोनिक एसिड। नाउ फॉर्मेशन ऑफ हायलूरोनिक एसिड, नाउ हायलूरोनिक एसिड कहाँ मिलेंगे? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इट इज द प्रेजेंट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल इन द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, एज अ सीमेंटिंग मटेरियल इन दी मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एंड बी एज अ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस, एज अ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। बिटवीन एज अ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस बिटवीन टू ज्वाइंट, ज्वाइंट में हमारे हाथ और पैर और नी का और एंकल का, ठीक है, एल्बो का, ज्वाइंट में एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस है जिसके वजह से हमारे हाथ और पैर बहुत आराम से मूव हो सकते हैं। एंड दैट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज हायलूरोनिक एसिड। नाउ इट इज फॉर्म्ड एज अ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसमें भी हायलूरोनिक एसिड है और विच इज अ टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, विच एक्चुअली ये लुब्रिकेट दी साइनोवायल ज्वाइंट्स, एस के साथ साथ ब्रेन में जो हमारे फ्लूइड है, क्या ना, सेरी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड है, जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, तो वो है आपकी हायलूरोनिक एसिड। इसके साथ साथ और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे ये है एज अ एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, एज एज अ एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर इन आई, सो देयर फोर आई कैन मूव इजिली, सो ड्यू टू दिस, ओके एंड दे कैन एक्सेप्ट द दिस वन आपका इमेजेस वेरी स्मूथली। सो दीज आर द थिंग दैट एक्चुअली हायलूरोनिक एसिड इज फॉर्म। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अनदर आउटर कोटिंग ऑफ द ओवम, आउटर कोटिंग ऑफ ओवम। आपको याद है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा एक लुक आई मीन लुब्रिकेटिंग ऑफ आई मीन सब्सटेंसेस है, फ्लूइड सब्सटेंसेस, जोना पेलुसिडा। ओके सो ये इस जगह में हायलूरोनिक एसिड विच इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एज नंबर 3,
हेपरिन, हेपरिन इज व्हाट, ऑल्सो अ म्यूकोपॉलीसैकराइड, म्यूकोपॉलीसैकराइड विथ सल्फर। म्यूकोपॉलीसैकराइड विथ सल्फर, दैट इज सल्फेटेड। ओके, व्हाट इज द फंक्शन? इट फंक्शन एज अ एंटी कोगुलेंट इन द ब्लड, एज एन एंटी कोगुलेंट इन ब्लड, एंटी कोगुलेंट इन ब्लड, म्यूकोपॉलीसैकराइड विद द सल्फर। Now, the next is mucopolysaccharide is also present as a chondroitin. इसको क्या कहते हैं? Chondroi, D-R-O-I, droitin. Chondroitin is what? Chondroitin is the matrix of the connective tissue. It is the matrix of connective tissue. That means it is the base of cartilage. Therefore, we can say base of cartilage. ठीक है, बेस ऑफ कार्टिलेज। नाउ नेक्स्ट इज एज अ केराटिन, एज अ केराटिन। सो व्हेन द म्यूकोपॉलीसैकराइड एज अ केराटिन, इट इज फाउंड इन द found in eye, nail, hair, skin, etc. ठीक है, ओके। एंड म्यूकोपॉलीसैकराइड एज अ यू नो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट और कॉन्स्टिट्यूएंट एज constituent of isabgul husk, भेंडी, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं, इसबगुल हास्क, भेंडी, एक्सेट्रा। इट इज द पार्ट ऑफ द अगर अगर, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकराइड इज अ पार्ट ऑफ अगर अगर, और सिर्फ अगर बोलने से भी चलेगा। म्यूकोपॉलीसैकराइड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेक्टिन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेक्टिन। हेलो, पेक्टिन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन जवाब देने मांगता ना, पेक्टिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, एंड ग्लाइकोप्रोटीन। सो दिस इज द ओवरऑल लुक आउट ऑफ द म्यूकोपॉलीसैकराइड। समझा क्या? हाँ, सो
ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का ये पार्ट खत्म होता है। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकराइड को देखा, और हमने क्या देखा स्टोरेज पॉलीसेकराइड को देखा। स्टोरेज पॉलीसेकराइड में एक बार सुनो मन से तो इसको रिवाइज हो जाएगा। स्टोरेज पॉलीसेकराइड में हमने देखा स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च में चलिए हम लोग इसको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें याद हो जाएगा। हमने क्या देखा पॉलीसेकराइड, व्हाट वी हैव सीन पॉलीसेकराइड। पॉलीसेकराइड में हमने सबसे पहले क्या देखा स्टोरेज को देखा, स्टोरेज पार्ट, स्टोरेज पॉलीसेकराइड को देखा। स्टोरेज पॉलीसेकराइड में हमने क्या क्या देखा, स्टोरेज पॉलीसेकराइड में हमने देखा स्टार्च, और स्टोरेज पॉलीसेकराइड में हमने क्या देखा, हम देखा ग्लाइकोजन। वी हैव सीन क्या ग्लाइकोजन। नाउ विद इन द स्टार्च व्हाट वी हैव सीन, वी हैव सीन नंबर वन इज कॉल्ड एमाइलोज। एमाइलोज एंड वी हैव सीन एमाइलोपेक्टीन। नाउ ग्लाइकोजन में हमने क्या देखा, ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ही है और कुछ नहीं है। इसके बाद हमने देखा इन्यूलिन। सो वी हैव सीन द स्टोरेज में, स्टोरेज पॉलीसेकराइड में स्टार्च ग्लाइकोजन इन्यूलिन। ठीक है, ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स। इट इज द रिजर्व, शॉर्ट में लिखेंगे रिजर्व मटेरियल ऑफ एनिमल्स, और दिस इज द आर एफ एम ऑफ व्हाट प्लांट। सो ये हो गया हमारा पढ़ाई। नेक्स्ट व्हाट वी हैव सीन द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकराइड में सबसे पहले हमने देखा सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज टफ, इट इज फाइब्रस इन नेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमने क्या देखा चिटिन और काइटिन। दिस इज दी पार्ट ऑफ दी एग्जोस्केलेटन, ओके, ऑफ इंसेक्ट फंजाई, ओके एक्सेट्रा। सो दिस इज दी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकराइड इन द विद इन। इसके बाद हमने क्या देखा, नाउ व्हाट वी हैव सीन, वी हैव सीन दी म्यूकोपॉलीसेकराइड। ठीक है, ये तो इसका हो गया स्ट्रक्चरल का। अब हमने देखा म्यूकोपॉलीसेकराइड। सो म्यूकोपॉलीसेकराइड बहुत टाइप की है। हमने क्या क्या देखा आप यहां से देख ही सकते हो, मैंने स्क्रिप्ट में इसको रिवाइज करवा रहा हूं आपको। म्यूकोपॉलीसेकराइड में हमने देखा पेप्टिडोग्लाइकेन, हायल्यूरोनिक एसिड, हेपारिन, कॉन्ड्रोइटिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, अगर केराटीन, पेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा। नाउ वी विल कम टू दी लिपिड पार्ट, वी विल कम टू व्हाट लिपिड पार्ट। ठीक है, नाउ लिपिड इज व्हाट, लिपिड इज अ फैट और फैट लाइक सब्सटेंसेस, फैट और फैट लाइक सब्सटेंसेस। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली इनसॉल्युबल इन वाटर।
बट दे आर सॉल्यूबल इन फैटी एसिड्स और फैट और दी अदर सॉल्वेंट लाइक ईथर, एल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है, ये लिखने की बात नहीं है, ये तो आप जानते ही हो। सो लिपिड्स आर मेड अप ऑफ ऑब्वियसली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इसमें क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसकी बेसिक है। नाउ द कार्बन इज टू सॉरी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज लेस देन 2:1। 2:1 में क्या है कि एक्चुअली ऑक्सीजन इज लेस देन 2:1, ऑक्सीजन इज लेस देन 1 इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन तो है। नाउ देयरफॉर इसके कारण दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर दी ऑक्सीडेशन, देयरफॉर फैट रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन के लिए उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। बट द पॉइंट इज दैट फैट रिलीजेस मोर एनर्जी। नाउ इस पॉइंट को देखो, एज बिकॉज इट रिक्वायर्स द मोर ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन, सो देयरफॉर इट रिलीजेस मोर एनर्जी देन दी कार्बोहाइड्रेट। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। 1 ग्राम मोल ऑफ फैट, 1 ग्राम मोल फैट इट रिलीजेस 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी। रेस्पिरेशन में हमने देखा है कि प्रोटीन के लिए इट इज 5 to 7 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिकली 7 अराउंड किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इट रिलीजेस। ठीक है, नाउ लिपिड वेयर इज फाउंड? हम सब जानते हैं लिपिड इज फाउंड इन ऑयल, इन बटर, इन घी। ठीक है, इन वैक्स, रबर, कोलेस्टेरॉल। अगर आप जानना चाहते हो फाउंड एंड फाउंड इन, घी, बटर, ओके, एनिमल फैट, एनिमल फैट और किसमें है? वैक्स, वैक्स में है और रबर में है, कोलेस्टेरॉल। ठीक, कुकिंग ऑयल, सी ऑयल, कुकिंग ऑयल में है एक्सेट्रा। ओके, नाउ सम ऑफ द विटामिन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द फैट, वाइटामिन डिजॉल्व इन फैट और एग्जाम्पल ऑफ फैट डिजॉल्व इन फैट, दीज आर विटामिन ए डी ई के। ए डी ई के इज द फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। एंड व्हाट आर सॉल्यूबल विटामिन्स? आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नाउ वी विल क्लासिफाई द लिपिड। सो लिपिड
कैन बी क्लासिफाइड एज, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल लिपिड, then there will be conjugated lipid, or it could be derived lipid. Now when we talk about the simple lipid, this is actually in two parts. They are called as neutral or true lipid, you can say true lipid, like oil, okay, like oil, butter, ghee, etc. And the secondly simple lipid is called as wax. So in two part mein with conjugated lipid can be divided further in three parts. One, it is called as phospholipid. Or it is called as glycolipid. Or it is called as lipoprotein. Phospholipid, glycolipid or lipoprotein. So these are the three types of conjugated lipid is there. Now we will not talk the derived lipid right now. Let us look at the simple lipid. Let us look at the simple lipid. Simple lipid is called as triglycerides. This is called as triglycerides. Now let us divide or classify the simple lipid or the triglycerides. The triglycerides are is called as, one is called neutral fats or true fats, neutral fat, or it's called as true fat. These true fats, what is this? That we will discuss, but further it is classified as a glycerol, and it is classified as fatty acid. Okay, now let us describe these neutral fats. They are composed of carbon, hydrogen, oxygen, sab mein hai. These are esters of one molecule. These are esters of one molecule of alcohol. It is the esters of one molecule of alcohol, which is called as glycerol. So when these simple lipids are the esters of the one molecule of alcohol, we call these a glycerol. Now next, when
इट मीन्स दिस सिंपल लिपिड, इट इज एस्टर्स ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स ठीक है, थ्री मॉलिक्यूल्स मोर देन, व्हेन वी कॉल्ड अबाउट दी मोर देन दी अ लॉन्ग चेन, राइट, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, लॉन्ग चेन, शॉर्टकट में बताते हैं लॉन्ग चेन, ठीक है? सो इट इज कॉल्ड एज फैटी एसिड. फैटी एसिड इज एक्चुअली दी लॉन्ग चेन, इट्स अ लॉन्ग चेन. ओके, लॉन्ग चेन. अच्छा, ये एक पॉइंट लिख देता हूं, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन. इस तरह से लिखेंगे तो शायद आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन. और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएंगे, सिंपल लैंग्वेज में इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ फैट, लॉन्ग चेन ऑफ द ग्लिसरॉल और फैट, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ फैटी एसिड. नाउ दिस फैटी एसिड कैन बी अनदर फर्दर फैटी एसिड को अगर हम लोग दो हिस्से में आगे भी बात करें, सो इट कैन बी ऑफ हाइड्रोफिलिक, इट कैन बी हाइड्रोफिलिक और इट कैन बी हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक मीन्स टर्मिनल, इसके टर्मिनल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज वाटर सॉल्यूबल. सो शॉर्टकट में बताएंगे, इट टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज वाटर सॉल्यूबल. सो इससे हमें क्या सीख मिलता है? इसको ये सीख मिलता है कि इसका इसमें फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसकी एक एंड में. सो देयरफॉर वी कैन से इन केस ऑफ द फैटी एसिड हमें क्या लर्निंग मिला? लर्निंग ये मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड इन वन एंड एंड हाइड्रोजन इन अदर एंड, ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया फैटी एसिड की. नाउ व्हेन द टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द वाटर सॉल्यूबल वी कॉल्ड इज द हाइड्रोफिलिक. जस्ट इसकी ऑपोजिट अगर होगा, अगर ये वेन द वाइल द हाइड्रोकार्बन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अगर ये इनसॉल्यूबल है तो ये हाइड्रोफोबिक है. जस्ट ऑपोजिट, मैं यहां लिखता हूं ऑपोजिट, ब्रैकेट दे देता हूं, इसकी ऑपोजिट ही ये होगा, इसीलिए इसको लाइपोफिलिक भी कहा जाता है. तो अब हम लिखेंगे और लाइपोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और लाइपोफिलिक, दैट मीन्स ओनली इन द फैट सॉल्यूबल, ठीक है, समझ में आया? हेलो हेलो, ओके. बाकी आगे आप लोग केमिस्ट्री में और कुछ पढ़ोगे. नाउ अब हम लोग जो बात करेंगे जिसके ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस होता है वो है आपकी टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड. टाइप्स ऑफ फैटी एसिड में एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड,
और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में क्या है, डू नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड। सबसे पहला चीज हम लोग इसमें लिखेंगे, डू नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन चेन, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रो कार्बन चेन, डू नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड। सबसे पहला एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आई एम एफ, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला इसको इस टाइप का लिख सकते हैं, सी एन एच टू एन ओ में फिक्स, ओ फिक्स, ओ टू, दीज आर स्ट्रेच चेन। ठीक है, अब इसमें जैसे हम लोग रेस्पिरेशन में, अब इसका एक एग्जांपल आपको देते हैं, रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा था, जैसे पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड ये क्या है, कार्बन चेन कितना है 16, और क्या है स्टीयरिक एसिड, इसीलिए इसका एग्जाम्पल से मैथ आते हैं, स्टीयरिक एसिड ये है 18, 18 कार्बन चेन, और दिस इज कॉल्ड एराकिडिक एसिड और एराकिडिनिक एसिड। इट इज 20 इसकी, सो इसकी पामेटिक एसिड में इसको क्या होगा, CH2 होल 14 और COOH, ये हो गया। ठीक है, अब इसकी कंडीशन में क्या हो गया, CH3 कॉमन, इसमें भी CH3 कॉमन, इसमें क्या है CH2 में 16, इसका सॉरी हाँ इसकी इसका है 16 क्योंकि ये इसमें है, और CH2 इसमें है 18। ठीक है, और बाकी तो ये कॉमन है, ये हो गया आपकी इसकी फॉर्मूला की तरह। अब ये सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मीन्स दे डू नॉट टेक अप एनी मोर हाइड्रोजन, सिंस दे कैन नॉट टेक अप एनी मोर हाइड्रोजन सो दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड एज, तो हम लोग लिखेंगे एज दे डू नॉट टेक एनी हाइड्रोजन therefore they are saturated, they are what, they are saturated। ठीक है, so they are solid in the room temperature, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, they are सॉलिड इन द रूम टेम्परेचर, दे आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सो यहां लिखेंगे अन सैचुरेटेड। हाँ चलो, आज के लिए यहां पर ही कंप्लीट, नेक्स्ट टाइम में हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कल। थैंक यू स्टूडेंट।